नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना प्यारा बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको। और आज पावर ऑन व्हील में मैं आपके लिए लेके आया हूं मारुति सुजुकी की नई वैगनआर। और ये वैगनआर कहां से मैं लेके आ रहा हूं ये बता दूं, मैं झीलों के शहर में बैठा हूं और ये वैगनआर पूरी तरीके से बदल गई है। इसमें हर एंगल से जो आप सोच सकते हैं कि दो दशक में ये गाड़ी लगभग जितनी बार चेंज हुई है ये उतने नए अंदाज में आपके सामने आई है। तो ये गाड़ी भी बदल गई है। तो इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वैगनआर में अब आपको क्या नया मिलेगा और ये अब आपके कितने मतलब की है। नई वैगनआर में अब आपको मिलता है रेक्टेंगुलर ग्रिल जो आप देख सकते हो। और किस तरीके से सुजुकी के लोगों को एकदम बीच में स्थापित किया गया है क्रोम एक्सेंट के सहारे, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। अब आपको इसमें पहले वाले हेडलैम्प नहीं मिलेंगे। इसमें आप जो खूबसूरत हेडलैम्प देख रहे हैं ये वैगनआर में आपको मिलेगा, जो कि ड्यूअल स्प्लिट हेडलैम्प है। आप देख सकते हो कितने आकर्षक अंदाज में इसे दिया गया है और रात में इसकी रोशनी काफ़ी प्रभावशाली होती है। फॉग लैम्प को हेडलैम्प से ठीक नीचे मतलब काफ़ी जगह देते हुए कंपनी ने दिया है। ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है, काले रंग के साथ बीच में ये एक आँख जैसा चमकदार लगता है और इसे बम्पर से काफ़ी मैच भी करता है, आप देख सकते हैं। इसके बॉडी कलर रियर व्यू मिरर पर अब आपको मिलेगा टर्न इंडिकेटर, जो कि पहली बार वैगनआर में कंपनी ने दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है और ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है और इस गाड़ी के प्रीमियम नेस को स्थापित करता है। इसके सी पिलर पर आप एक काले रंग का प्लास्टिक देख सकते हैं, जिससे इसके फ्लोटिंग रूप को आप आराम से आसानी से आभास कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं और ये इस गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। इसका डोर हैंडल भी बॉडी कलर्ड है, जो कि इसमें कोई बदलाव और नहीं है। बस हाँ, ये देखने में अब थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसको बॉडी के साथ ही मैच करवा दिया है। इसके अलावा अगर बात करें आपको साइड के डिज़ाइन की, तो ये आपको बेहद सिंपल सा दिख रहा होगा। दो उभरी हुई चरित्र रेखाएं हैं लेकिन ये उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। पर हाँ, ये एक सिंप्लिसिटी के साथ गाड़ी को एक खूबसूरत अंदाज दे देती हैं। ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये JXI है 1.2 ऑटोमेटिक और इसमें आपको मिलेगा 14 इंच का व्हील। आप देख सकते हैं कि ये व्हील आर्च के साथ काफ़ी हद तक अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन ये अलॉय नहीं है। अगर इसमें कंपनी थोड़ा सोचा होता तो मुझे लगता है कि ये और खूबसूरत दिखती बाहर से। इसके रियर में आपको क्रोम का बखूबी इस्तेमाल दिखेगा, खास करके इस जो इसका इस्तेमाल किया गया है, ये जो आप देख सकते हैं वैगनआर लिखा हुआ है इसको दिखाने के लिए किया गया है। इस पर आपको वैगनआर अंकित मिलेगा सुजुकी के लोगों से ठीक नीचे। और इसका जो एक टेल लैंप है ये काफ़ी हद तक प्रभावित दिखता है वॉल्वो से, लेकिन ये अपना काम बहुत ही खूबसूरती के साथ कर देता है और पता भी नहीं चलता। कुल मिलाकर ये पीछे का डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है अगर अब के वैगनआर की बात करें तो। नई वैगनआर में आपको बेज ब्राउन सीटें मिलेंगी, ये बहुत ही जल्दी गंदी होने वाली हैं, बहुत जल्दी गंदी हो जाएंगी अगर आप कवर नहीं चढ़वाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो है इसमें दिया गया इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट। अब आपको किसी भी सीट पे स्प्लिट हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, दोनों में सारे आगे भी और पीछे भी आपको ये इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेगी जिसे आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये शायद कॉस्ट कटिंग को ध्यान रखते हुए कंपनी ने किया है। जगह के मामले में नई वैगनआर का कोई जवाब नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं कि मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा की है लगभग,
इसके बावजूद मैं आराम से इसमें बैठ सकता हूँ। इसमें कॉम्पिटिशन की बात करें टियागो और सेंट्रो की, तो इसमें आपको इतनी जगह एकदम नहीं मिलने वाली है। तो पहले की तुलना में इसमें जो फ़ायदा मिला है, ये इसका व्हील बेस 35 मिलीमीटर ज़्यादा है आपको मिलेगा। इसकी वजह से इसमें अब जगह आगे पीछे सारी सीटों पर जगह काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी, जिससे आप लंबी दूरी की यात्राएँ इवन पीछे वाली सीट पर बैठ कर तीन लोग भी बैठ कर आराम से कर सकते हैं। और ये वैगनआर की खूबसूरती है जो मुझे बहुत पसंद आई और ये आपको भी अच्छा लगेगा। इस मामले में इस गाड़ी को अगर इस सिर्फ पीछे वाली सीटिंग की बात करें तो इसमें पूरे नंबर मैं दूंगा इस वैगनआर को। नई वैगनआर का इंटीरियर भी एकदम से बदल गया है और इसका डैशबोर्ड भी पूरी तरीके से बदल चुका है। अब आपको जो डैशबोर्ड में नहीं मिलेगा, पहले वो बता दूँ, आपको याद होगा अगर आपने पुरानी वैगनआर देखी होगी तो यहाँ पे एक कप होल्डर मिलता था एसी वैन के ठीक नीचे, वो दोनों तरफ से ड्राइवर साइड से भी और इस साइड से भी गायब हो गया है, जिसे कंपनी ने हटा दिया। हालांकि वो मेरा फेवरेट फीचर था, मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेरे घर में कुछ भी रखता था, केन रखता था तो ठंडा बना रहता था गर्मी के मौसम में। और एक चीज़ जो अब आपको नई वैगनआर में मिल रहा है वो है, आप देख सकते हो इस पर आपको ऑडियो कंट्रोल मिलेगा सारा, अपने फ़ोन को यहीं से उठा सकते हो और आप अपने वॉइस रिकग्निशन को यहीं से शुरू कर सकते हो, ये देख सकते हो पूरा। तो इसके आपको स्टीयरिंग पे, इसका स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से इसका ग्रिप बनता है। अभी मैं जब चला रहा था तो इसको देखा और ये आपको मतलब एक बड़ी प्रीमियम कार का फील करवाती है। नई वैगनआर में आपको मिलेगा 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले से सुसज्जित है। इसके अलावा इसमें आपको मारुति का एक फीचर मिलेगा, सुजुकी स्टूडियो, जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। इसमें बहुत अपने पसंद के आप गाने सुन सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फीचर है और इसे आप खास करके युवाओं के लिए बहुत ही उनका पसंदीदा फीचर होगा। यूटिलिटी स्पेसेस को डैशबोर्ड से हटा के अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे देने की कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी है छोटे मोटे सामान रखने के लिए, सिक्के रखने के लिए और आपका फ़ोन प्लेस करने के लिए। नई वैगनआर में कंपनी ने दो इंजन विकल्प व दो वैकल्पिक ट्रांसमिशन दिए हैं। एक इंजन है इसका 8 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसकी जो कि पुराना वाला ही है, जो कि 67 HP की शक्ति व 90 Nm का टॉर्क देती है। और दूसरा इसका इंजन है K-सीरीज जो कि 1.2 लीटर है और ये इंजन 43 HP की शक्ति व 113 Nm का टॉर्क देता है। उन दोनों में आपको OGS मिलेगा, ऑटो गियर शिफ्ट मैनुअल का, मतलब आपको दोनों में मैनुअल और ऑटोमेटिक का विकल्प मिलेगा। की बात करें जिस तरह मैं चला रहा हूँ इसमें, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल हो चुकी है क्योंकि इस हाईटेक प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो इसका वजन भी कम हुआ है, तो इससे इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा और निकल गया है। पावर टू वेट रेशियो इम्प्रूव होने का जो ऑर्डर होना चाहिए पूरी तरीके से इस पर गाड़ी पे बैठता हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस पे कॉर्नरिंग में बहुत मज़ा आता है। जो वैगनआर जब इम्प्रूव होना शुरू हुई थी, पिछले 2 दशक में मैंने वैगनआर को बदलते देखा है, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आया है वो इसमें सबसे बढ़िया दिख रहा है। और इसलिए मैं इस कार की तारीफ करूँगा खूब। अगर मैं कुछ फीचर्स छोड़ दूँ जो मुझे पसंद ना आए हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे
बात किया कि इसमें हेडरेस्ट जो है इंटीग्रेटेड दिया गया पसंद नहीं आया, ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसने ओवरऑल मुझे बहुत ही प्रभावित किया है और ये बात बहुत आपको भी जमेगी। और अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो 4,19,000 रुपये से शुरू हो रही इसकी LSI वर्जन की कीमत है 4,19,000 रुपये। तो कॉम्पिटिशन में अगर मुकाबला सीधा सेंट्रो से माना जा रहा है तो सेंट्रो से काफ़ी बेटर गाड़ी है, जो आपको ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा हर मामले में, इवन माइलेज की बात करें तो आपको सब कुछ इसमें ज़्यादा मिलता है और मज़ेदार लगती है चलाने में। आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में से ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्लिप करने में मज़ा आएगा, और अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो ओवरटेकिंग में आपको नहीं रुलाती है। और एक ऐसी कार के रूप में जो जनता की कार बन चुकी है, 22 लाख यूनिट बिक चुकी है इसकी, तो जिस लिए वैगनआर जानी जाती है, उस प्लेटफॉर्म पे, उस कसौटी पर ये पूरी तरीके से खरा उतरती है। और ड्राइविंग में आपको कहीं भी, चाहे ब्रेकिंग की बात करें, चाहे ड्राइविंग की बात करें, ये आपको कहीं से भी प्रॉब्लम में नहीं डालती है। और एक बात और, सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से इसमें अब वो फीचर दे दिया गया है एक, जो 2020 में अनिवार्य होगा सबके लिए BS6 में, वो है स्पीड अलर्ट का। एक सर्टेन लिमिट के बाद में ये आपको बीप करना शुरू कर देती है, तो ये आपके लिए उस चेतावनी होती है कि आपको उससे आगे नहीं जाना है। इसके अलावा इसमें ABS, EBD आपको मिलेंगे, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा, कैमरा नहीं मिलेगा, शायद कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसा किया है, बट वो दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में, खास करके अगर आप वेरिएंट चला रहे हैं तो उसमें मिलता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता। और सिर्फ इस गाड़ी में आपको ड्यूअल एयरबैग मिल रहे हैं, जो आपको और आपके साथ आपके में बैठे को पैसेंजर्स को पूरी तरीके से सेफ रखते हैं। और मेरे जैसे लंबे व्यक्ति के लिए गाड़ी बहुत आरामदायक है चलाने में। आप देख सकते हो मुझे कितना ज़्यादा हेडरूम मिल रहा है, आराम से बैठा हूँ और मुझे ना पैरों को कोई दिक्कत है, ना मुझे कोई दिक्कत है। मुझे लगता है लॉन्ग ड्राइव में भी आराम से इसको लेके खुश होके म्यूज़िक सुनते हुए आराम से और मैं अपना पूरा सफर पूरा कर सकता हूँ। इसमें 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसे आप प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, आप गाड़ी चलाते रहो। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार्प्ले सब कुछ है। इसके अलावा मारुति सुजुकी का एक ऐप भी इसमें, उसे आप प्ले करते रहो, अपने पसंद के गाने सुनते रहो, कहीं भी चले जाओ। और अगर आप रास्ता भूल गए हो, इसका आपका इसका नेविगेशन आपको रास्ते से भटकने नहीं देगा और आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। आपको बताते चलें, नई वैगनआर 6 रंगों में उपलब्ध है, जिसमें मैग्मा ग्रे, सिल्की सिल्वर, सुपीरियर वाइट, ऑटम ऑरेंज, न्यूटमेग ब्राउन और पूल साइड ब्लू शामिल है। तो आज मैंने मिलवाया आपको मारुति सुजुकी की नई वैगनआर से, जो लगातार बदल रही है और टॉप 10 में बनी हुई है। बेशक ये कंपनी ने इसको नए अंदाज में, नए रूप में लॉन्च किया है, लेकिन अभी भी ये टॉप 10 में बनी हुई है और इसे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी बुकिंग मिली है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और इस गाड़ी के बदलाव आपको भी अच्छे लगेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप शेयर भी करें।